स्वागत है आपका हमारे चैनल कॉमिक गेम्स पर। जैसे कि आप जानते ही होंगे, मार्वल में अभी बहुत सारी ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में बहुत किसी को नहीं पता होगा। तो आज हम ऐसे ही एक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म के फिक्शनल कैरेक्टर का नाम है डेमन। डेमन अपनी लाइव एक्शन की शुरुआत मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स होलू टेलीविजन सीरीज हेलस्टॉर्म से अपनी बहन एना के साथ एक सीरियल किलर के बेटे के रूप में करेंगे, टॉम ऑस्टिन जिसमें मेन लीड होंगे। डेमन हेलस्टॉर्म का कैरेक्टर वाकई में इंटरेस्टिंग है। शैतान के बेटे के रूप में मोरालिटी और वाकई में आफ्टर लाइफ के बारे में पूछे जाने वाले बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको एमसीयू का जवाब देना जरूरी है। एमसीयू को आगे जोड़ने के लिए फैंस से हमेशा मांग रहती है, यदि हेलस्टॉर्म सक्सेसफुल साबित होती है तो उसे एमसीयू के करीब लाने के लिए कॉल काफ़ी ज़ोर से होगा। कैरेक्टर पूरी तरह से अलग है और इसलिए उसे जोड़ना होपफुली आसान होना चाहिए, क्योंकि हेलस्टॉर्म के मार्वल वर्जन से बहुत कम एक्सप्लोरेशन हुआ है। हुलू हमेशा से मार्वल सीरीज के लिए पॉपुलर प्लेटफॉर्म रही है और ये प्रोड्यूसर्स का सही डिसीजन है कि इसे इस पर रिलीज करने की जोर लगाया जाए। मार्वल में हेल्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बजाय इसके कि शैतान सिर्फ एक चीज़ है, कंपनी हमेशा इसके पोटेंशियल रिलीजियस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सॉफ्ट रही है। इसके बजाय इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली शैतान हैं लेकिन रियलिटी में नहीं है। सबसे फेमस वर्जन है मेफिस्टो, जो वास्तव में किसी तरह का कॉस्मिक है और कहते हैं लूसीफर जन्नत से गिरा है। शैतान के पिता के बेटे की पहचान मृदुक नाम के शैतान शैतान से होने से चली गई है, जिसका नाम शैतान शैतान है। डेमन हेलस्टॉर्म का जन्म शैतान प्रकार के एक प्राणी और एक ह्यूमन लेडी के बेटे के रूप में हुआ था, जो सभी प्रकार के जादू सीखने के लिए लाया गया था। हेलस्टॉर्म अपने ह्यूमन फॉर्म की ओर झुक गया और बुराई और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी पावर्स का यूज़ करने के लिए चुना गया और ये लाइन कहता गया, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। हेलस्टॉर्म के एडवेंचर्स के कारनामों में उन्हें सेवियर्स का इलेक्टेड मेंबर और घोस्ट राइडर का पार्टनर बना दिया। कुछ समय के लिए उनकी शादी पैट्सी वॉकर से हुई, लेकिन चीज़ें रियलिटी में गलत हो गई और उन्होंने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि वे उनके साथ रहे बिना भी खुश हैं। तो चलिए आपको इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताया जाए। डेमन हेलस्टॉर्म का जन्म मैसाचुसेट्स की इमेजिनरी सिटी ग्रीनटाउन में हुआ था। वह शैतान का बेटा है और उसकी माँ विक्टोरिया विंगेज नामक एक मॉर्टल लेडी है। उसके पिता को बाद में मृदुक कुरियोस नाम के एक राक्षस में बदल दिया गया था। डेमन और उसकी बहन सताना को उनके पिता द्वारा जादू की आर्ट में ट्रेन किया गया। सत्ता में दुहन ने अपनी बहन को अंधेरी विरासत दी। हालांकि जब सताना ने अपनी विरासत को पा लिया तो डेमन अपनी मानवता से जुड़ा हुआ था। जब उनकी माँ को पता चला कि उसका हस्बैंड रियलिटी में कौन है, वो पागल हो गई। डेमन और सताना को अलग अलग कर दिया गया और उनकी माँ को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होने के बाद अलग अलग घरों में डाल दिया गया और उनके पिता वापस नर्क में चले गए। डेमन एक जेसुइट रन ऑर्फनेज में पले बढ़े, कभी अपने पिता या बहन से एक वर्ड नहीं सुनते थे। सेंट लुइस यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर बने। इसके बाद उन्होंने खुद को एक गुप्त साइंटिस्ट और ह्यूमैनिटी के सेवियर के रूप में स्थापित किया। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना प्यार बनाए रखें, हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड या प्लीज सपोर्ट अस बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड टैप ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।